ये दूसरा पार्ट है, इसी का पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जाकर देखिए ताकि आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में कई सारी बातें हैं, भाई के साथ कई बार फ्रॉड भी हुआ है और कस्टमर किस प्रकार से मिले हैं, इन सब बातों का उन्होंने जिक्र किया है और उन्होंने और भी कई सारी बातें बताई है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए ताकि आपको जो है वीडियो पूरा समझ में आए। तो चलिए पार्ट टू शुरू करते हैं। रात को भी गाड़ी चलाई है कभी? हाँ, रात नाइट को भी चला है। तो रात में कैसा है काम करना, ठीक है? ठीक है, कभी कभी ऐसा मानपुर का नया मानपुर का उधर एक बार लफड़ा हो गया था। अच्छा। हाँ, तो मेरे हिसाब से जो जो भी गलत बंदे रहते हैं उससे मतलब उससे जो भी गलत कर रहा है उससे तुम भी नहीं करने का, मतलब उससे कर रहा है तो नहीं करने का, चले आने का। बराबर, थोड़ा संभालना पड़ता है, उससे झगड़ना नहीं है। जी, जो भी है सुन के लेके आ जाओ, झगड़ा करना है तो उसके साथ क्या है, ऑलरेडी आप बाहर का है, रोड का है, कोई मार भी देगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया भी हो सकता है, कोर्ट लोग आ सकते हैं, तुम तो यहाँ का नहीं हो, फिर ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। आप महीने में कितने दिन काम करते हैं? 300 दिन काम करते हैं या फिर आप? नहीं, छुट्टी रहता है, 4 दिन 3 दिन महीने में, 4-5 मतलब 26-27 दिन काम कर लेते हैं। 26-27 दिन काम कर लेते हैं। सही, मतलब पूरा दबा के जो है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। जी जी जी। तो आपको इंटरसिटी, तो आप इंटरसिटी ट्रिप ज्यादा लेते हैं? इंटरसिटी अभी मेरा उबेर में बंद है। अच्छा। ओला में भी अभी चालू नहीं हुआ है, ओला में भी बंद है, हो जाएगी। तो इंटरसिटी ट्रिप आपको कैसा लगता है? इसमें मेरे को इन ड्राइव में मिलता है। इन ड्राइव में मार दिया। सही से। तो आपको जो है ओला उबर इन ड्राइवर तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है? ओला उबर ही बेस्ट है। ओला उबर बेस्ट है ना, इन ड्राइवर में तो इतना ज्यादा सिलेक्टेड और वो लोग टाइम पास बहुत करते हैं। जी जी। आपने एक दिन में, अभी इतने साल हुए आपको, आपने एक दिन में सबसे ज्यादा कितना रुपीस कमाए? एक दिन में सबसे हाईएस्ट मैंने एक दिन में 23,000 रुपए कमाया था। 23,000? सच में वो डिजायर था। कितने घंटे काम किया था आपने? मैं सुबह ऐसे निकला था तो पास्टिव गया था पुणे से, फिर आया मुंबई से, फिर अलीबाग गया, अलीबाग से पुणे गया, पुणे से फिर रिटर्न मुंबई आया। कितना? 23,000। तो भाई एक वीडियो मैंने पहले बना था, एक भाई ने बताया था कि 9,000, तो मुझे 9,000 इतना ज्यादा लग रहा था, तो भाई ने एक दिन में 23,000 कमाया है। लॉकडाउन के बाद तो नहीं है ना? नहीं, लॉकडाउन के पहले। जी, लॉकडाउन। ये ओला उबर से आपने कमाया है? उबर से कमाया। उबर से मतलब आपने इंटरसिटी ट्रिप ना, ओला उबर मतलब उबर से ही था, तब उबेर चला था। अभी लॉकडाउन के बाद ही मैं ओला ज्वाइन किया, ओला मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था। हाँ। फिर अभी थोड़ा मार्केट भी डाउन हुआ, फिर तो मैं सोचा दोनों में करता हूँ, अच्छा मिल जाएगी। सही। तो अभी आपके पास एक्सेल गाड़ी है ना, तो आप प्राइम के भाड़े मारते हो कि एक्सेल के भाड़े मारते हो कि मिनी के भी मारते हो? अभी समझ लो हो गया मेरा टाइम, खाली मार के जाना है तो मिनी चालू करके रखता हूँ, मिनी भी प्राइम भी, मतलब तीनों चलते जाना टाइम, घर पे जाते वक्त जो भी मिला निकल लेते। सही। लंबा रहेगी तो नहीं, नजदीक से, यहाँ से मैं अंधेरी वश में रहता हूँ तो एयरपोर्ट से जाते टाइम तो 200 रुपए में मिनी भाड़ा मिल जाता है, 150 रुपए में मिल जाता है अंधेरी वश का। जी, जी। तो वो भी मेरे को लेके जाने से 150 रुपए मिल रहा है, तो उसमें खाली जाने से अच्छा है, अंधेरी वेस्ट में आप अंधेरी में रहते, और जो कस्टमर मिलती है ना वो इतना खुश होती है। अरे वाह, बढ़िया गाड़ी। हाँ, बढ़िया गाड़ी मिली। सही। आपका सीट तो बहुत अच्छा है, बाद में गाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो कभी आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है ओला उबर में कि किसी ने पैसा दिए बगैर भाग गया? पैसा तो दिया बगैर भाग गया, पैसा तो लेके भी गया। अच्छा। हाँ। कितना, मतलब कैसा, थोड़ा बताइए डिटेल। बायंदर से भी कस्टमर पिक किया था लॉकडाउन के पहले, तो उसने एक लेडीज बैठी थी, डिजायर गाड़ी था, तो बैठा, अच्छे से बात उत किया, बहुत प्यार से इतना अच्छा उसका गाड़ी भी, मैं तो मेरा गाड़ी को तो चकाचक रखता, इतना तारीफ किया मेरा, बहुत तो ज्यादा तारीफ किया। फिर क्या टोल लगा क्रश किया। हाँ। बोलता है यार शिट, यार मैं पर्स भूल के आ गया। पर्स भूल के आ गया तो बोलते भैया रिटर्न लो। बोला मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोला क्या करो, रिटर्न लेके जाओ कि घर पे जाने का
था रात को, शाम को 7 बजे था। अच्छा, तो मैं सोच रहा था क्या करूँ हाईवे पे, तो बोला ठीक है लेता हूँ। फिर मैंने लेना लगा, लेफ्ट लिया, सिग्नल बोलता है तुम्हारे पास पैसा है क्या? बोला कितना चाहिए मैडम आपको? बोलता है मेरे को 2000 तक चाहिए। अच्छा, मेरे पास इतना तो नहीं है, 1200 रुपया है। हाँ, तो बोला ठीक है चलो, मेरे को एक बोरीवली पे, उधर मेरा भाई के घर पे, मलाट मेरा भाई के घर पे जाना है, बोरीवली में एक ऑफिस में जाना है, वकील का, कोई वकील का ऑफिस है। वकील? हाँ, वो मरीब है, उसका कुछ का, उसको कुछ देने का, पैसा देने का। जी जी। तो उसको देखे और स्टॉप भी डाला था उसने, स्टॉप डाल के फिर बोरीवली स्टेशन पे, उधर कपड़े का बड़ा सा मार्केट है एक। हाँ। उसी मार्केट में अंदर गई, बोलते ऊपर दूसरी वाला पे मेरे को बताया, तो इधर रुकना मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। रुक के और कपड़े का शॉप में अंदर गई, इस साइड में घुसी, उस साइड में निकल गई। हाँ। तो मैं रुका, फोन किया, फोन ही नहीं उठाया, उसका पर्सनल नंबर नहीं था, तो ओला उबर में कॉल किया तो कोई सजेस्ट नहीं मिलता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कस्टमर का कुछ भी मिल जाता है, कुछ भी छोड़ के जाता है, तो अपना आईडी बंद करते, बहुत परेशान करते। लेकिन अपने साथ कुछ हो गया ना तो वो लोग हाथ ऊपर कर लेते। बराबर। तो मैं पुलिस चौकी गया था, रात को 10 बज गया था, उधर रुके रुके ऊपर भी गया था उसी शॉप पे, ऊपर बोला कोई नहीं है, कब वो फैमिली लोग रहते थे। अच्छा, तो पुलिस चौकी गया तो पुलिस चौकी वाला वो हाथ ऊपर कर दिया, बोला नहीं कर सकते ऐसा कुछ, तुम लोग छोड़े क्यों? हाँ। जाने क्यों दिया, पैसा क्यों दिया? हाँ। तो मैं बोला पैसा तो दिया गलत है, लेकिन वो मेरे को नहीं चाहिए, 1100 रुपया लेके गया था, लेकिन मेरे को जो बिल हुआ था उबेर वाला से वो लेके दीजिए। पुलिस वालों को बात किया, बोलते नहीं नहीं कर सकते हम लोग। अरे तो इसके अलावा और कुछ हुआ? और एक बार हुआ था मुमरा में, अभी रमजान के पहले। अच्छा, मुमरा में गया था, डिजायर गाड़ी था। हाँ। ये गाड़ी मेरा दोस्त लेके गया था, उसका कई ट्रिप था पुणे का, तो उसका गाड़ी मैं चला रहा था। तो मुमरा गया पहला ट्रिप लेके। हाँ। जाके वो उधर से बोला फिर एयरपोर्ट आने का। हाँ। उसने स्टॉप डाला, उतरा, जाके बैग लेके आया। हाँ। और कुछ सामान छोड़ के गया था, आके वो सामान लिया और मैं वड़ा पाव खाने गया। हाँ। देख रहा वो आके वापस वो सामान लेके जा रहा है गाड़ी से, और दुकान में गया, मैं वड़ा पाव खा करके खत्म हुआ, आया गाड़ी पे बैठा, बोला गाड़ी कस्टमर मिल ही नहीं रहा। तो 1100 रुपया बिल हुआ था और गया कस्टमर, और 500 रुपये और ज्यादा टाइम लेके गया था। अरे तो और एक सीन हुआ है, ये मेरा नहीं हुआ है, मेरा दोस्त का हुआ है, खुला हुआ नेवी। हाँ। नेवी पे क्या हुआ, ओला पे बुकिंग करके लेके गया। जाने के बाद बोला भाई मेरा पेरेंट्स आ रहे हैं, तो मेरे मम्मी है, उनको सीनियर सिटीजन है, तो उनको संभाल के लेके जाना है। ठीक है, तो उनको जीपे पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और जीपे में वो जो मैसेज टाइप करके भेजते, पता है आपको? नहीं नहीं नहीं, देखो आपको दिखाता, फोन पे में दिखाता आपको। हाँ। आप किसी के भी नंबर को, ये कब की बात है? ये अभी 6-7 महीना हो रहा है होगा। अच्छा, तो ये है, इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा पास देखिए, ये अपना डिस्ट्रिक्ट। हाँ। इसमें आप ऐसे जाएंगे, इधर मैसेज कुछ भी लिख, इतना अमाउंट लिख दिया। जी जी जी, जी। हाँ। इतना लिख के उसने मैसेज कर दिया, इसमें मैसेज कर, हाँ। उसके मैसेज कर दिया, पे नहीं किया, और ये बंदा क्या सोचा, तो भेज दिया। फिर उसने 1100 रुपया भेजा, बोला 1100 बोलते भैया तो तुमको ज्यादा दे दिया, 800 रुपया देना था, एक काम करो आप मेरे को 400 रुपया रिटर्न दो। अच्छा, उसने 400 रुपया दिया। फिर इसने क्या किया, फिर भेजा कुछ 1600 रुपया कुछ, बोला भाई मेरा गलती हो गया, वापस जा रहा है, तुमको दूसरे किसी को भेजना था, तुमको वापस जा रहा है, एक काम करो तुम 1000 रुपया मेरे को दे दो, बाकी तुम रख लो। उसने 1000 रुपया और ट्रांसफर किया, करने के बाद उसको फिर मैसेज आ रहा है, बोलते बैलेंस लो, इतना उसका पेमेंट ही कम था। हाँ। तो मैसेज आया उसमें बैलेंस का लो है। हाँ। दिखा रहा है उसमें बैलेंस कम हो गया, कुछ 1600 कुछ 2600 कुछ था, तो 400 रुपया कुछ बचा हुआ था। अरे तो उसने दिखा, तो फिर फोन लगाया, उसने तुरंत कैंसिल किया ट्रिप और फोन स्विच ऑफ कर दिया। मतलब ये हंसने वाली बात तो नहीं, दुख की बात है, लेकिन लेकिन हंसी आ रहा है। मतलब आप भी जो सोच समझ के करना, मतलब एक्चुअली हम पैसे, अभी फिलहाल 1-2 महीने से नहीं हो रहा है, 3-4 महीने पहले ना मेरे साथ भी हुआ था ये फ्रॉड, ये हाँ, लेकिन मैं समझ गया था, वो नंबर था बंगाल का, आसाम का नंबर था। अच्छा। तो कलर पे आसाम का नंबर दिखा रहा था। और
इधर राम मंदिर स्टेशन के पास मैं पिकअप करने गया, बास डिपो है ना, बास डिपो का लोकेशन डाला और बोलते है एक मेडिकल स्टोर है उसके सामने है, बोलते है मेरा मम्मी आ रहे है मेडिकल पे गए है, वो प्रेगनेंट है। अच्छा। नहीं, नहीं मम्मी नहीं वाइफ है, वो प्रेगनेंट है आ रही है, तो उसको हमारे के लेके आना है, वो मेडिकल पे गई है, आप एक आपको एक जीपे का नंबर देता हूँ उसमें आप पे कर लीजिए, वो आके दे देगा, उसके पास नहीं है और आपको मैं, उसने बोला मैं पे तुमको करता हूँ तुम उसको कर लो। अच्छा। उसका तुम कर लो, बोलता है नहीं, तो बोला उसका एक काम करो तुम्हारा जो भी है जो आपका वाइफ है उनको बोलो बाहर आने के लिए, मैं करता हूँ उनको। हाँ। तो बोलते फोन कट कर दिया, फिर दोबारा फोन किया, बोलता है कर दो ना भाई कर दो ना, वो नहीं आ पा रही है बाहर, ऊपर है वो आ रही है आराम से, तुम कर दो ना ये नंबर देके, बोला नहीं कर सकता हूँ उसको बोल जो, फिर फोन कट गया और फिर ट्रिप भी कैंसिल किया। बहुत फ्रॉड है, तो ओला में होता है, उबेर में ऐसा नहीं हो रही। तो अभी समझ रहे भाई, ओला और उबर में भी हो सकता है कि फ्रॉड का सिस्टम अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। सच में लड़के का मुझे बहुत अच्छा लगा, वो लड़की इतना जड़ी थी मोटी थी इतना अच्छा से भाई को भी दया आ गया, मैंने छोड़ो अभी इतना अच्छे से बात कर। तो ये सब बातें ऐसे होती है, इसीलिए हमें संभाल कर करना है भाई। तो ठीक है भाई के साथ बहुत फ्रॉड हुआ है, दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ है, बहुत जन के पास फ्रॉड हो रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत। मैंने भी दो तीन भाई से बात किया तो हुआ, मतलब ऐसा बहुत जन के साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ भी एक बार हुआ था पर कम अमाउंट था, लगभग 210 के आसपास था। तो और ओला उबर कुछ इसमें मेल भी नहीं करता है, मतलब नहीं, कुछ नहीं करता। और हम उसके पीछे क्यों रुके रहेंगे, इतना हम काम करें कि इसके पीछे रुके रहें। और उसका जो मीरा रोड से लेके आया, बाइंदर से जो लेके आया था बोरी वाले, उसका बिल हुआ था कुछ 1600 रुपया और मेरे से लेके आया था 1100 रुपया। मतलब आपका 1100 और 1600 ये लगभग 2700 का भाई को चूना लगा दिया। खतरनाक लोग होते हैं एकदम, इसलिए हमें संभल कर गाड़ी चलाना है और रात के समय में तो और सावधानी से चलाना अच्छा है। और मेरा एक दोस्त के साथ कांदिवली लखनऊ वाला 12 बजे, हाँ, लॉकडाउन के बाद 2022 में ही, हाँ, 23 हो रही है, एक साल पहले, तो उसने क्या क्या बुकिंग किया लेके गया, उधर दारू पी के पूरा टाइम थे फुल थे, और फिर उधर बोला चाबी दे डिवाइस दे, लेके गया डिवाइस लेके गया, चाबी भी लेके गया, फिर हम लोग जाके उससे लेके आए, बहुत लोग गए थे हम लोग, मतलब उससे दारू पी के बहुत लोग रहते ऐसे बुकिंग करके पैसा मांगते और फिर नहीं देते, तो इसमें डिवाइस मोबाइल लेके चले जाते, चाबी भी लेके गया था उसमें। अच्छा। फिर हम लोग पुलिस लोग फोन करके, पुलिस भी जाते जाते मैं अंधेरी वेस्ट से मैं पहुंच गया कांदिवली लखनऊ वाला पे, लेकिन पुलिस तक नहीं पहुंचे, इतना टाइम लगा है। फिर उसके बाद मतलब हाथ हाथ नहीं हुआ है, मोबाइल वोबाइल लेके वो छीन के दूर चले गए, मतलब उसको बोला मैंने तुम गाड़ी से निकल के दूर चले जा, और बारिश का टाइम था और कोई नहीं थे लखनऊ वाला कांदिवली लखनऊ वाला मेन मार्केट के उधर ही। अच्छा। सोचो इतना अच्छा जगह है, इतना पॉपुलर जगह है, फिर भी लेकिन इतना। हाँ। अभी के चोर लोग भी समझ गए ना, समझ गए, अच्छी अच्छी जगह पर ही मतलब अपने को, क्योंकि हम लोग भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते कि यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए सोच समझ करो, सावधानी से गाड़ी चलाइए, मतलब कब क्या होगा पता नहीं है ना। आपको अभी आप जब इतने समय से गाड़ी चलाते हैं तो कस्टमर कभी ऐसा आपको एक्स्ट्रा टिप दिया है, एक्स्ट्रा पैसा कितना आपको ज्यादा? मैक्सिमम मेरे को मतलब ये जब मैं पहले हफ्ता चलाया था अर्टिगा, हफ्ते का बात कर रहा हूँ, 4000 रुपए मिला था हफ्ते का, एक हफ्ते में। क्या बात कर रहे हैं, मैं सब ट्रिप अलग अलग करके रखा था, मैं एक वीक में 7 दिन में मेरे को 4000 रुपए मिला था, एक कस्टमर ने 1100 रुपया दिया था। अरे वाह, अब बहुत कहाँ से कहा था मैं, अंधेरी वेस्ट मेगा मॉल से मैं लखनऊ वाला छोड़ा था। अच्छा। तो कुछ 200 रुपए बिल हुआ था, पहली ट्रिप था। हाँ। तो मैं उधर से लेके गया, गाड़ी भी अच्छा था, खुशबू लगा के था, और इतना फॉरेनर कस्टमर था, 1200 रुपया दे के गया, 1000 रुपया मेरे को ट्रिप हुआ, 200 रुपये उसका बिल था। 10 गुना एक्स्ट्रा दे दिया, 10 गुना एक्स्ट्रा दे दिया। सही सही, कुछ कुछ अच्छी बातें भी होती है, बहुत अच्छी, लेकिन कभी कभी जो है ऐसा भी सिस्टम होता है, कभी कभी आपके गाड़ी में ऐसा कपल लोग बैठे हैं, हाँ बैठे, और बहुत उनका अलग ही पीछे छीन चल रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ मिले है, लेकिन मना कर देता हूँ। आप सीधा बोल देते हैं? सीधा बोल देता हूँ कि ये इसमें नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सही,
कभी कभी क्या इतना होता है कि हम भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्या उसके चक्कर में हम लोग मिरर से देखना चालू हो जाते हैं। हाँ, देखने के चक्कर में वो लोग को हमारा ध्यान टोक दिया, किसी को टोक देंगे, इसके चक्कर में वाला इसके चक्कर में कर सकते है, गलत है लेकिन मना करते हैं हम लोग। जी जी जी। और मेरी गाड़ी पे ज्यादा ही करते चाहते है, लेकिन एक कस्टमर के साथ मुझ भी हो गया था, पर्दा लगा के क्यों। अच्छा, पर्दा लगा के लगा के क्यों लगाया तूने, ऐसा नहीं करना देना तो क्यों लगाया। मेरा पर्सनल है, मेरा गाड़ी है, मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं मेरा प्रोफेशनल है। जी 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 जी। तो भाई ने पर्दा लगाया है इधर, वो थोड़ा खींच के देखिए ना, ये पर्दा है। हाँ, इधर भी नहीं दिख रहा है, पीछे से तो वो जो पीछे आप देख सकते हैं। हाँ, ये वाला पर्दा तो ये कंपनी से आया है कि आपने लगाया? नहीं, पर्सनल मैंने खुद लगाया। पर्सनल लगाया आपने, नहीं फिटिंग किया है? फिटिंग। तो इसका कुछ पुलिस वगैरह कुछ ऐसा रोकते हैं? रुकते हैं। नाइट में नहीं लगाता हूँ, कभी भी नाइट में नहीं लगाता, बंद करके। धूप के समय लगाते हैं? धूप के समय लगाता हूँ, धूप के समय कोई पुलिस वाला भी नहीं करता है। जी जी। जब धूप नहीं है तो धूप के लिए आप वो भी लगा सकते हैं, अलग से जो भी लगाना है वो भी लगा सकते थे। जी। जो भाई ओला उबर माना चाहते हैं तो नई गाड़ी लेना ठीक है उनके, मतलब पहली बार आ रहे हैं ओला उबर, उनको ओला उबर के बारे में कुछ आइडिया नहीं, वो वीडियो देखकर ओला उबर में आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट नई गाड़ी लेकर आए या सेकंड हैंड गाड़ी लेकर आए? और आए तो कौन सी गाड़ी, वो पहली गाड़ी ले, पहले सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहिए कि नई गाड़ी लेना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपके पास इन्वेस्ट करने के नहीं है तो 1.5 लाख तक है तो वैगनर मिल रही है, नए लेंगे तो आप देखिए कम से कम हफ्ते का 2000-2500 आराम से हो जाती है वैगनर से। आप नहीं ले और सेकेंड हैंड ले, नहीं ले तो आप 16000 तो वैगनर का एमआई रहेगा, 15-16000 तो आपका रोज का 3000 करके एवरेज रहेगा तो कमा सकते हैं। तो नया ले और 3000 रुपये करके कमाए, 600-700 रुपये सीएनजी जाएगी और फिर आपको जो भी होगी वो बचत आएगी और बचत के बाद आपने एमआई कन्वर्स करके माइनस करके फिर आपको जो भी मिलेगा। और सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे तो आप कैसे भी करके चलाए, 2000 रुपये धंधा करे तो 1500 रुपये बचेगा। बराबर। तो कैश गाड़ी लेंगे तो सबसे बेहतर है, और कैश गाड़ी सेकंड हैंड दूसरे से लेने के बाद ज्यादा, मतलब ओला उबर में ज्यादा ही चलने वाला, ज्यादा किलोमीटर भागने वाला गाड़ी मिलती है, माइनस करके रखते हैं और टूटे ले तो उसमें जाने का नहीं, वो जो रहते क्या एजेंट लोग, एजेंट से गाड़ी नहीं उठाने का, ड्राइवर से है, ड्राइवर टू ड्राइवर, ड्राइवर टू ड्राइवर ओनर है तो ठीक है। और एजेंट लोग बहुत चुना लगा किलोमीटर तो वो कम करते ही करते हैं, ओनर लोग भी करते हैं, ओनर लोग भी करते। लेकिन आपको गाड़ी पूरा देख के आपने मिलता है, ओनर चलाए तो अच्छा मिलता है, और एजेंट लोग के पास मिलता है तो कैसे भी गाड़ी लेते हैं, वो लोग जाके थोड़ा चिपका के कुछ थोड़ा बहुत काम करा के बना के दे देंगे 50,000 एक्स्ट्रा। सही सही। तो कौन सा लेना, वैगनर अच्छा लेना, वैगनर नया या फिर डिजायर या फिर अल्टिगा? वैगनर है, और मतलब पूरा ड्राइवर है, सीनियर ड्राइवर है, उसके लिए डिजायर सही है, और नया ड्राइवर है, नई है ये लाइन में आ रहा है तो वैगनर सही है, और ड्राइवर अच्छा मेहनत वाला सीनियर ड्राइवर है तो डिजायर ले, अच्छा मिलेगा। तो अल्टिगा लेना चाहिए कि नहीं? अल्टिगा लेना चाहिए, लेना चाहिए ना, खुद तो मतलब जिसके पास चला है, हाँ, खुद चला रहे हैं, चला रहे तो आर्टिका के लिए सही है। और आपके पास पैसा है नहीं तो आप इधर से उधर, इधर से उधर लेकर, ऐसा नहीं, खुद अच्छे से पैसा आपके पास तो अभी मेरा एक दोस्त ले रहा है, अभी ये हफ्ते में आ रहा है मेरा एक दोस्त, अर्टिगा 36,000 रुपए एमआई है, 36,000 एमआई है उसका और 3.5 लाख दिया हुआ। जी 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 जी। उसका लगभग 16,56,000 जा रहा है। अच्छा, 60,000 कुछ हो रहा है। जी जी। तो नूर भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, मैंने इससे पहले कई और ड्राइवर भाइयों के साथ भी वीडियो बनाया है, यहाँ तक कि मैंने ओला उबर में जो ऑटो चलाते हैं उनका भी वीडियो बनाया है, तब ऑटो चलाना चाहते हैं तो वो भी वीडियो देखिए, और भी डिजायर वाले, वैगनर वाले, और ड्राइवर भी जो ड्राइवर के रूप में ओला उबर भी दूसरे से गाड़ी लेकर चला रहे हैं उनका भी वीडियो बनाया है, सब मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देखने की कोशिश कीजिए। तो ये अभी हम भाई की गाड़ी में आपको दिखाता हूँ, तो ये नूर भाई की गाड़ी है, आगे वहां पर सारा कंट्रोल है, स्टेयरिंग पे भी ये वॉल्यूम है, म्यूजिक का, हाँ, वॉल्यूम एफएम चेंज, और इधर ब्लूटूथ वगैरह कॉल, हाँ, ये मुझे भाई ने लगा के रखा है, नो स्मोकिंग, सही है एकदम, एसी यहाँ पर भी, अब देखिए गाड़ी कूलिंग बहुत अच्छा हो रहा है,
और भाई ने ये पर्दे लगाए हैं, तो पुलिस वाले इससे प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन जैसा भाई बोल रहे हैं कि ये गर्मी में ही तो उपयोग करना अच्छा है, तो बाकी लोग जो है कपल लोग थोड़ा सा इसका अलग से फायदा उठाते हैं, लेकिन आप संभालना है। ये एसी वेंट है ना, इससे एसी एसी है, ये लेदर का है, ये लेदर आपने बाहर से लगाया था, सीट बहुत अच्छा है। कितने में लगाया था आपने ये? कुछ 11,000 था। 11,000 पूरा, मतलब सिर्फ सीट ना? सीट काफी अच्छा एकदम, ये मोटा भी है और फील भी बहुत अच्छा दे रहा है। ये कितने अभी 9 महीने हुए ना? 10 महीने हो गए। 11 महीने। तो गाड़ी में थोड़ा पीछे से भी दिखाता हूँ, ये बोतल होल्डर है, वहां पर बोतल होल्डर है ना, और ये म्यूजिक सिस्टम तो कंपनी से है ना? नहीं नहीं, अलग से लगा, अलग से लगाया था साउंड। ये पीछे भाई ने कैरियर लगाया हुआ है, ये देखिए, ये मैट अपने बाहर से अच्छा है, ये इसके नीचे आपने ये किया है और अपने दो दो लगाया हुआ है। जी जी, सीट काफी अच्छा है ये फोल्ड करने के लिए, और पीछे सामान के लिए अच्छे से ताकि सीट फटे ना। गाड़ी देखिए एकदम मस्त है गाड़ी, और बाजू में अपना गाड़ी है, भाई की गाड़ी एकदम मस्त है। तो नूर भाई बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और नूर भाई सच में आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। जरूर से मिलेंगे कभी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।